ओके बच्चे, अपनी पुस्तक खोलिए, पेज 77, ततारा व मीरो कथा। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर भी, आपको बताया था कि हमारे टेंथ में जितने लेसन है ना, एक दिन में पूरा लेसन हो सकता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन वी आर हैविंग। ततारा व मीरो कथा एक प्रेम कथा है। पहली बात तो ततारा व मीरो कथा एक प्रेम कथा है। बेटे आप लोगों को मालूम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ये कथा उनसे संबंधित है, द्वीप समूहों से संबंधित है ये कथा। तो उम्मीद है आप सबके पास बुक तो होगी। इवन देन अगर मैं शेयर करूं स्क्रीन आपके सामने, बेटा मैंने लेसन कोई और खुला हुआ है, नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। तो ततारा व मीरो कथा पार्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले बेटे, लेसन इंट्रोडक्शन। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। रिमेम्बर दिस थिंग, आपका ये जो टेस्ट होना है इस बार ये 90 मार्क्स का सीबीएसई की तरफ से एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज में हमें लेसन्स के इंटरनल सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, ये ध्यान में रख के लेसन पढ़ना। पाठ प्रवेश सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर में मदद करता है, सुनने को मिलती हैं, किससे जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों, जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं, इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। प्रस्तुत पाठ लीलाधर मंडलोई राइटर है बेटा। प्रस्तुत पाठ ततारा व मीरो कथा किसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष मीन्स वैर, एक दूसरे से वैर। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को, युगल मीन्स जोड़ा, आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बखान की गई है, और युगल का नाम है, एक है ततारा एक है वामीरो। मेल मेंबर इज ततारा, वामीरो इज फीमेल मेंबर, ओके। प्रेम सबको जोड़ता है, लाइंस टू अंडरलाइन, और घृणा दूरी बढ़ाती है, इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे ना केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वैसे इसमें से किसी उत्तर में भी कुछ लिखने वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई पंक्ति हम उठा पाएंगे। सिर्फ इतना ही, प्रेम और त्याग जो है, प्रेम का त्याग या बलिदान जो है वो फ्रूटफुल होता है। एक ही लाइन इसमें से है, ओनली एंड ओनली 11 स्टूडेंट्स के। चलिए ततारा व मीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी लिटिल अंडमान के बाद किस द्वीप की श्रृंखला शुरू होती है? लिटिल अंडमान के बाद
निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबार का जो पहला द्वीप है वो अंडमान निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अच्छा ओके, समअप करती हूँ मैं, शॉर्ट में पहले कहानी बताती हूँ बेटे। ततारा हमारी कहानी का हीरो है, वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, ठीक है। और माना जाता है इसके पास कुछ दैवीय शक्तियां भी हैं, जैसे इसके पास एक तलवार है, लकड़ी की तलवार है, ठीक है। उसने कभी उस तलवार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन माना जाता है इसमें दैवीय शक्तियां हैं। कभी प्रयोग नहीं करते, किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोगों का विश्वास था कि इसकी तलवार में कुछ ना कुछ ताकत है, ठीक है। अब एक बार ये आराम कर रहा है समुद्री किनारे पर, इसकी मुलाकात वामीरों से होती है। ये एक गांव का है, वामीरों दूसरे गांव की है। वामीरों गा रही होती है, ये उससे प्रश्न पूछता है, तो वामीरों कहती है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, क्योंकि तुम एक गांव की हो, मैं दूसरे गांव की हूँ, मेरा आपका कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो फिर भी ये वामीरों से कहता है अपना नाम तो बता दो, कल यहां मिलने आओगी, इस तरह की बातें करता है। तो अगले दिन इसे उम्मीद नहीं होती वमीरो आएगी, लेकिन इंतजार करता है, और वमीरो भी चली आती है, अपने आप को रोकती भी है पर चली आती है। दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं करते, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर धीरे धीरे बह रहा होता है। दोनों मूक मिलते हैं, शांत मिलते हैं एक दूसरे से, और रोज मिलते हैं उसी जगह पे। कुछ लोगों को भनक हो जाती है, लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं, अब उसे डांटना शुरू करते हैं वमीरों को, तो वमीरों की माँ भी उसे डांटती है। ततारा कुछ कर नहीं पाता, तो वो वमीरों को असहाय देख के अपनी लकड़ी की तलवार निकालता है और उसे पूरे जोर से धरती में गाड़ देता है और उसे खींचता चला जाता है। अब जहां जहां उसने तलवार खींची, वहां वहां द्वीप के दो टुकड़े हो गए, एक तरफ वे रह गया और एक तरफ वमीरो चली गई, ठीक है। इस तरह उन दोनों का अंत हो गया, वमीरो पागल हो गई, ततारा पानी में बह गया, इस तरह दोनों का अंत हो गया। लेकिन उन दोनों के अंत के बाद दोनों गांवों में रिश्ता होने लगा, दोनों गांवों में संबंध स्थापित होने लगे। दिस इज द होल स्टोरी, ओके। स्टोरी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन बीच में और कुछ चीजें रिमार्केबल हैं, वो देखते हैं। एक तो ये लव स्टोरी होने के बावजूद रिटन वेरी ब्यूटीफुली, इतने सुंदर शब्दों में इसका चित्रांकन किया गया है कि मेरे सामने तो तस्वीर पैदा हो जाती है। अब आपके सामने हीरो हीरोइन की तस्वीर पैदा होती है या नहीं, ये देखते हैं। चलिए, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद पसंद करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अंडरलाइन दीज लाइंस, ये तो ततारा की क्वालिटीज है, ये तो लिखने लिखनी है आपको। मददगार था और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव, अपनी आत्मा का स्वभाव अंदर से भी बहुत अच्छा था। लोग उसे करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक वेशभूषा के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण एक
के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य मीन्स एक बहुत बड़ा भेद, विलक्षण मीन्स स्पेशल, कुछ भेद छुपाए हुए थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। अब समुद्री इलाके में रहते हैं, टापू में है, टापू मीन्स आइलैंड, तो थकने के बाद इंसान समुद्र की सैर तो करेगा ही। निकल पड़ा, सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी ब्यारें आ रही थी, ब्यार मीन्स हवा, ठीक है। समुद्र के किनारे पर ठंडी ब्यारें आ रही थी, पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शने शने क्षीण होने लगी थी, यानी पक्षी अपने घोंसलों को जा रहे थे, जो चहचहाट थी वो कम हो रही थी, क्षीण मीन्स कम हो रही थी। देखो एमसीक्यूज बनाने हैं ना जब, तो हमने एमसीक्यूज बेटे ऐसे ही बनाने हैं। शाम के समय पक्षियों की चहचहाटें क्षीण हो रही थी या अधिक हो रही थी, या बिल्कुल बंद हो गई थी या कुछ कम हो गई थी, ठीक है। इस तरह ही एमसीक्यूज बनेंगे, आपको हर शब्द का ध्यान रखना है, ओके। उसका मन शांत था, बिल्कुल शांत था, जिस समय थका हुआ है समुद्र के किनारे टहल रहा है तो उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। मतलब म्यूजिक चल रहा था, दैट वाज सो मार्वेलस कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा और उसकी तरफ खिंचता चला गया। लहरों के एक प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भगती, चैतन्य होते ही यानी जागते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, विकल मीन्स बेचैन सा उस तरफ चलता गया, ठीक है, बेचैन सा उस तरफ बढ़ता गया। बेटा आप स्टूडेंट्स में अभी वृंदा भी थी, आई थिंक शी हैज लेफ्ट गॉन, है ना। वृंदा भी आई थी लेकिन वृंदा चली गई। वाओ क्या अच्छी बात है ना कि मैडम लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं, अपने आप पढ़ लेंगे, टीचर के पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ रूहानी शर्मा ए सेक्शन की भी है, रूहानी बी सेक्शन की भी है, मैं अपने अच्छे बच्चों को देख लूँ। हाँ दक्षिता है, हिमानी है, निष्ठा है, वैभवी है, प्राची। ये बेटा क्लासेस में अलग, सिर्फ ये 1 बजे का समय, इनकन्वीनियंस तो है लेकिन ये 1 बजे का समय केवल और केवल रूहानी ए सेक्शन की और वैभवी बी सेक्शन की, उनके कारण है। अदरवाइज वी कैन टेक क्लासेस विद कंप्यूटर्स, एक एक दो दो बच्चे होते, ठीक है। चलिए उसके बाद है, गीत के स्वर बह रहे थे, वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अतः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक शख्स समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। लुक एट द स्पेलिंग ऑफ श्रृंगार। श्रीमती में जो श्रव डालते हैं ना, ये उससे थोड़ा सा भिन्न है। श्रृंगार र नहीं है नीचे, बी है ना, श्रव होता है वो श्रीमती में, ये श्रृंगार है, री नीचे है। श्रृंगार गीत था, श्रृंगार गीत होता है रोमांटिक सॉन्ग, ओके, रोमांटिक सॉन्ग। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है, बिना बोले कोई अजनबी उसकी तरफ देख रहा है, ये तो उसे पता ही नहीं चला। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी।
एकाएक कितना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? सतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, विस्मित हुई, हैरान हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और युवक के गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, ये तुम भी जानते हो। सतारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। सतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अतः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की हद है। जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। सतारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, पिक्चर बनी आपके सामने या नहीं? मेरे सामने तो बन गई। तस्वीर बनी आपके सामने? समुद्री किनारा नजर आया, वामीरो नजर आई, रूखे से जवाब देती सुंदर स्त्री, और ततारा उसी की धुन में खोया हुआ, बेसुध खोया हुआ है ना, अब गिड़गिड़ा के घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया है कि मुझे मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। कहता, मैं तुम्हें देखकर अपने ओशी को बैठा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो, सतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? सतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनमनस्कता पूर्वक कहा। अनमनस्कता पूर्वक क्यों? मतलब अनमने मन से कहा, यानी चाहती भी थी नहीं भी चाहती थी, अनमने रूप से उसने कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। ठीक है, तो बच्चे दोनों किस किस गांव के थे? सतारा और वामीरो, वामीरो लपाती गांव की थी और सतारा, सतारा का गांव। आपकी कहानी में आपको इंटरप्ट कर दिया मैंने। सतारा किस गांव का था? उसका तो लपाती था, और उसका चलिए बाद में ढूंढेंगे, नहीं तो बिल्कुल लिंक टूट जाएगा। अभी तो ततारा बड़ी रिक्वेस्ट में बैठा था हमारा, है ना, एक चित्र प्रस्तुत हो रहा था हमारे सामने। ततारा उसे आवाज दे रहा है कि कल भी जरूर आना वामीरो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने कह दिया ना, नहीं शायद कभी नहीं। वो कहता, मैं फिर भी आई विल वेट यू, वेट फॉर यू। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ, लिसन। कौन लेफ्ट हो गया बच्चे? एक बच्चा और गया। Who has gone? किसको नहीं सुनना? प्राची गई है। कौन गया? प्राची। प्राची। ओके।
ठीक है। ऐसे पता क्या एहसास होता है कि शायद टीचर की पढ़ाने में कोई कमी है, ऐसे महसूस ऐसा होता है। लेसन रीड तो आप कर ही सकते हो, घर में भी कर सकते हो, सीधे क्वेश्चन डाल दूंगी तो आप कर ही सकते हैं बच्चे। हाँ चलिए। वमीरो घर पहुंच कर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। अब बताओ ततारा से मुक्त होना चाहती है, ततारा ने उसे पकड़ा कब? सो ब्यूटीफुली रिटर्न एयर। ततारा से मुक्त मतलब ततारा ने उसे कैद कर लिया था, दिल ही दिल वो ततारा की कैद में जा चुकी थी, लेकिन इस समय वो उससे मुक्त होने की झूठी चटपटाहट मतलब चाहती नहीं थी, पर पता था दो गांव में मेल नहीं हो सकता, इस कारण ये छटपटाहट थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर बलिष्ठ किंतु बेहद शांत सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अंडरलाइन दिस लाइन। अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ समझा, किंतु ये असंभव जान पड़ा। चाहती थी उसे भूल जाए, उसका दिमाग उसके उसका नाम उसके दिमाग में ना आए, परंतु नहीं भूल पा रही थी। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निन्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, बिना कुछ बोले एक बैगर की तरह, याचक मीन्स बैगर, याचना करते हुए प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों की रात बड़ी मुश्किल बीती होगी, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। अब अगले दिन को उसने उबाऊ दिन क्यों कह दिया, दोनों के लिए वो डे जो था वो बहुत बोरिंग दे रहा होगा, बिकॉज दे बोथ वर थिंकिंग अबाउट ईच अदर। ठीक है, तो उनका काम में मन नहीं लगा, दोनों के लिए वो दिन बहुत ठंडा और उबाऊ दिन था। उबाऊ मीन्स बोरिंग, शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। यानी उसने कभी किसी की इतनी वेट नहीं की जितनी उसने उस दिन की। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। रोमांचित मींस वेरी ईगर, है ना, मन में कोई उत्साह भी था, रोमांचित भी था। दिन ढलने से काफी पहले वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका से दौड़ रही थी। क्या डाउट था? आशंका मीन्स डाउट, पता नहीं वामीरो आएगी कि नहीं आएगी, है ना, आशंका से दौड़ रही थी। अगर वामीरो ना आई तो मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। यानी डे इज गोइंग टू ओवर, ना, शी वॉज वेटिंग फॉर वामीरो, अब पता नहीं कब ये उम्मीद डूब जाती। प्लीज बच्चे मैं यहीं छोड़ रही हूँ, बिकॉज टाइम इज अप, 1:30 हो गए हैं, तो कल तक ये लेसन पूरा हो जाएगा। प्लीज सबको सबको बच्चे बता देना कि क्लास लगानी आवश्यक है और कल लेसन पूरा हो जाएगा। ओके okay?